दिया, और जब नीचे गए तो कहते हैं हमसे बात मत करो ऊपर जाओ। तो भाई ये क्या सिस्टम है, गाड़ियां तुमने हमें दी हैं, तुम उनसे ऐसे तो तुम नेगोशिएट करते बीच में, हम बात करेंगे दे दो, हमें टाइम दे दो, तो बेवकूफ बनाया जाता है। बट आज हम यहीं से रिजोल्यूशन लेके जाएंगे, और जो भी भाई बंद अपने जानने वाले हैं वो कॉल करें और अपने भाइयों को बुलाएं। जय हिंद। हमारे पवन भाई, इनको आप जानते होंगे, इन्होंने एक बार मैंने देखा था, सुनो, इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, इनके बारे में मैंने ये तो पता बता दूँ, जब ये जो एक मर्डर हुआ था, जो उनकी डेड बॉडी हम लेके आए थे या टोल पे, भाई साहब इनके शरीर में इतना डंडे पड़े थे, मैं खुद देखा था इनको द्वारका में देखा था, जब इनको बॉडी खोल के दिखाई थी, पूरे लाल हो रखे थे। ये बंदे हैं देखो, ये कह रहे काम नहीं करते वो लोग, फिर भी ये ड्राइवर भाई, ठीक है, और हमारे ड्राइवर भाई जो लीजिंग की गाड़ी चला, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग हमें यहाँ पे नहीं पहुँचे अभी तक। देखो हमारे साथ बहुत भाई है, लेकिन और भी भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुँचे, ये शर्म आनी चाहिए। बस यही तो कमी है, अगर हमारी तरह सारे भाई हो जाए ना, इनकम्प्लीट तो बात नहीं है कि हम ये ठेंगा दिखाए, हम इन्हें ठेंगा दिखा सकते हैं, पर आप लोग सोचो और अपने भाइयों को साथ दो, बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ें से बहुत निकले हुए और आज भी देखो पीछे नहीं हटने वाले, जैसा भाई करेंगे भाइयों के साथ हैं, और अभी मैंने अपने भाई लोगों को और वो बोल दिया है, वो भी आ रहे हैं यहाँ, और आप लोगों का साथ पूरा मिलेगा, चाहे लीजिंग के हो, चाहे ओल इंडिया परमिट हो, चाहे किसी भी है तो ड्राइवर ही, चाहे वो पहिया घुमाता है ना, चाहे वो किसी चीज़ का भी घुमाता हो, हम हैं आपके साथ और खुद रहेंगे, चाहे कोई हो या ना, बस इतना धन्यवाद भाइयों, और आगे सभी लोग आप एक होके कार्य करो, और ये फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ड्राइवरों का दर्द प्रधानमंत्री और क्या नाम है राज्य सरकार